माता, हमें माता शबरी के आश्रम जाना है। माता शबरी? हाँ माता, क्या आप हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? किंतु आप है कौन? हम अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ के पुत्र राम, और ये मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है। राम, लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए शबरी की कुटिया में। जड़मती आपको पहचान ना सकी प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने प्रभु को स्पर्श कर लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। किस अपराध के लिए क्षमा मांग रही हैं आप माता? प्रभु, मैं नीच जात की अधम नारी, और मैंने आपको स्पर्श कर लिया। अब आपको पुनः पवित्र होना पड़ेगा प्रभु। माता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। प्रभु आप धन्य है, प्रभु आप धन्य है, मेरा आपको कोटि कोटि नमन। आइए प्रभु, शबरी की कुटिया में आपका स्वागत है प्रभु। आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, शबरी की कुटिया में आपका स्वागत है प्रभु। विराजिए वचन नजावा, प्रेम मगन मुख वचन नजावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। प्रभु, मैं आपके चरण पखारने के लिए जल लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम आपके प्रेम भरे अश्रुओं से पहले ही पवित्र हो गए हैं। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना प्रभु? प्रभु, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। प्रभु, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। लाइए माता। अधम ते अधम अधम गति नारी, अधम से अधम अधम गति नारी। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए प्रभु। कई कोई फल खट्टा ना रह गया हो, मैं आपको स्वयं चक्कर देती हूँ। लाइए माता। लो लक्ष्मण, तुम भी लो। परंतु भैया, ये फल झूठे हैं। किंतु मीठे हैं लक्ष्मण, ममता और प्रेम का रस मिल गया है, इसलिए अत्यधिक और मीठे हो गए हैं। प्रभु,
जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, तब गुरुदेव मतंग मुनि आश्रम के ऋषि मुनियों के साथ अपने दिव्य विमान में बैठकर अपने धाम को जा चुके थे। और तब मेरा भक्ति भाव जानकर उन्होंने मुझे इस कुटिया में रहने का आदेश दिया और कहा कि एक दिन प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इसी कुटिया में पधारेंगे। माता, और तब मुझे उन्हें वानर राज सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बताना होगा प्रभु। सत्य कहा माता, आपके वचनों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे गुरुदेव मतंग मुनि ने हमें स्वयं आशीर्वाद दिया हो। प्रभु, यहां से आगे जाएंगे तो आपको पंपा सरोवर दिखाई देगा। उसके दक्षिणी तट की ओर जाएंगे तो आपको ऋषि मुख पर्वत दिखाई देगा, जिस पर राज सुग्रीव अपने चार मंत्रियों सहित रहता है और उनमें से एक आपका हनुमान नाम का एक परम भक्त भी है। प्रभु उसी के द्वारा आपकी और सुग्रीव की भेंट होगी। प्रभु महाराज सुग्रीव की जय हो। नील, तुम इतने व्याकुल और व्यग्र क्यों हो? महाराज, हमारे ऋषिमुख पर्वत की ओर दो शस्त्रधारी पुरुष चले आ रहे हैं। क्या कहा? दो शस्त्रधारी पुरुष किधर हैं? किधर हैं? ये अवश्य ही बाली के भेजे हुए दूत हो सकते हैं। इसके लिए मुझे हनुमान जी को भेजना चाहिए, क्योंकि वह बल बुद्धि दोनों में प्रवीण है। नील, तुम जाओ और हनुमान जी को आने के लिए शीघ्र कहो। जो आ गया महाराज। प्रणाम महाराज, आपने हमें याद किया। हनुमान जी देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शाप वश बाली भ्रात यहाँ ना आ सकता है, किंतु जब तक मैं दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके यह गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हैं, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हैं। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना, तुम हो अगर मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना। तुम आप कदापि चिंता ना कीजिए महाराज, मैं अभी मुनि वेश में जाता हूँ, उन दोनों तपस्वियों का राज जानकर आता हूँ। शीघ्रता करो हनुमान जी। महाराज राम ने हनुमान से को तुम श्यामल गौर शरीरा शत्रु रूप फिर हूँ वनवीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, ऊंचे पहाड़ बालू आय निश्चर वानर काडर भगवन, ऐसे बिहड़ विराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। मुखड़ों पर तेज अलौकिक अद्भुत प्रकाश है, रूपों पर कुछ दिव्य शक्ति आप में जो छलक रही है। आप मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा कहीं आपको है, आ रहा ना याद भूलते। मृदुल मनोहर सुंदर गाथा सहस्त सहत न आतप पाता, के तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो।
कौशलेश दशरथ के जाए, हम अपितु वचन मान वन आए, नाम राम लक्ष्मण तुई भाई, संग नार सुकुमार सुहाई, हिन्हा हरि निश्चरवे देही, विप्र फिरही हम खोजत तेही, आपन चरित कहाँ हम गाई, कहे उ विप्र निज कथा बुझाई। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछू कस नर की नाई, एकू मैं मंद मोह बस कुटल हृदय अज्ञान, उनी प्रभु मोहे पसारियो, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान। हनुमान हनुमान हनुमान, हनुमान जी, प्रभु राम के आप भी सेवक, मैं भी सेवक, मुझको छोटा भाई समझकर गले लगा लो भैया। लक्ष्मण भैया, हनुमान जी, हनुमान जी, अब आप अपने मूल स्वरूप में आइए। जैसा आप कहे लक्ष्मण भैया। श्री महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है, जिस दुष्ट ने सियाहरी उसका हम दिया बुझा देंगे, आज्ञा तो प्रभु ही की होगी, पालन हम करते जाएंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में, जो कार्य आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, धरती निश्चर से हीन करें इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। चलिए प्रभु, ऋषिमुख पर्वत की ओर चलिए। चलो हनुमान। नाथ सैल पर कपिपति रहे, आगे का रास्ता तनिक कठिन है, मेरा आप दोनों से अनुरोध है कि आप दोनों मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से ऋषिमुख पर्वत की ओर ले चलूंगा। ठीक है हनुमान, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम, बोले हनुमान जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की।